समीकरण अगर यहाँ के देखें तो हमने कहा कि दलित और मुस्लिम पहले एक साथ इकट्ठा होगा और दलित और मुस्लिम आधार बन के बहुजन समाज पार्टी का जब यहाँ खड़ा होगा तो फिर बाकी सब लोग साथ लगने का काम करेंगे। हमारा काम छोटा नहीं है और हमारा मकसद भी छोटा नहीं है। काम भी बहुत बड़ा है कि हमें सरकार बनानी है और मकसद आप देख लीजिए कितना बड़ा है कि सरकार बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उत्तराखंड में मुस्लिम वोट जो है कांग्रेस का माना जाता है, ऐसे में किससे सेंधमारी होगी बसपा के लिए? दिक्कत यही है ना कि कोई वोट कोई भी मुसलमान को अपनी बपौती मान लेता है, बपौती मान करके बैठ जाता है। उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर क्यों नहीं बनाया कांग्रेस ने अपनी सरकार में? हमें देने के नाम पर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब हमसे लेना है तो हमें अपना बनाने की बात करेंगे। कांग्रेस की सरकार कई बार रह चुकी है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर रहा कांग्रेस की सरकार में? क्यों नहीं बनाया आपने? एक कैबिनेट मिनिस्टर आप बना सकते हो। हमारी तादाद हिमाचल के अंदर भी है। जब मैं कांग्रेस में था मैंने बहुत कोशिश की कि हिमाचल में कम से कम एक टिकट तो दे दो, और टिकट भी नहीं दिया। तो ये बहुत आसान काम है कहना। बहन जी ने जो बात की है, हम लोग पहले अपने आधार को मजबूत कर रहे हैं और फिर उसके बाद आगे की रणनीति। उत्तराखंड में आपके दो विधायक हैं और दोनों विधायकों का जो तालमेल है वो संगठन के साथ नहीं बन पा रहा है। मुझे नहीं पता इस बारे में। देखिए